is Dr. Naveed Akhtar. I am neuro physical therapist working here as a senior lecturer in Sirhind Institute of Allied Health Sciences. आज का जो हमारा मौजू है वो स्ट्रोक के बारे में है. लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा कम मालूम है और इसकी अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. स्ट्रोक जैसे कि नाम से पता चलता है निकला स्ट्राइक से. स्ट्राइक का मतलब होता है एक्सीडेंट. एक्सीडेंट किस चीज़ का एक्सीडेंट? तो बेसिकली सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, यानी खून के जो नालियाँ होती है हमारे पास जो ब्रेन तक गई है उनमें कुछ मसला आ जाता है. या तो मसला रुकावट के पाम में आएगा या मसला हमारे पास रप्चर के पाम में आएगा. या तो खून के नाली हमारे पास रप्चर हो जाएगी या खून के नालियों में हमारे पास कोई ऑक्लूजन रुकावट आएगी. तो इन वजह से ब्रेन के कुछ एरियाज़ को ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन के कुछ एरियाज़ फंक्शन करना स्टॉप कर देते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के साइंस और सिम्टम्स डिवेलप हो जाते हैं पेशेंट्स में. इसको हम स्ट्रोक कहते हैं. जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारे पास या तो खून की नालियों में रुकावट आती है या हमारे पास वो रप्चर कर जाते हैं. अगर वो उसमें रुकावट आती है तो दिस इज़ मोस्टली, इसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं. और ये मोस्टली एजड लोगों में होता है, जिन लोगों को हाइपरटेंशन का मसला होता है, जो लोग हमारे पास डायबिटीज़ का शिकार हो, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है, जिन लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, जिन लोगों की सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है हमारे पास, उन लोगों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है. ऑन द अदर हैंड, अगर हम हेमरेजिक स्ट्रोक यानी जो दूसरे किस्म का स्ट्रोक है उसको देखें, जिसमें हमारे पास आपकी आर्टरीज जो होती है, खून की नाली जो होती है, नाली वो हमारे पास रप्चर कर जाती है यानी पट जाती है हमारे पास. ये यंग पेशेंट्स में भी हो सकता है, यानी यंग बंदों में भी हो सकता है हमारे पास, और एजड बंदों में भी हो सकता है हमारे पास. इनका जो बुनियादी या बेसिक इतियालोजी है हमारे पास, इनमें यह होता है या तो इनका बीपी एकदम से बढ़ जाता है, या हमारे पास इनमें कंजेनिटल तौर पर एन्यूरिज्म बन जाते हैं, जो हमारे पास विसर्स में कुछ डायलेशन बन जाती है, कुछ हमारे पास बल्जिंग वगैरह हो जाती है. अब दोनों कंडीशन को हमने डायरेक्टली जितना जल्दी हम हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमें पेशेंट को डिसेबिलिटी से बचाना है. क्योंकि असल में स्ट्रोक में होता क्या है कि बंदा फिर डिसेबल हो जाता है एक तरह से. यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि बंदे को स्ट्रोक हो रहा है. तो उसके लिए एक नमोनिक है जो हम सबको पता होना चाहिए, बाय द नेम ऑफ फास्ट, FAST. यानी एफ स्टैंड करता है हमारे पास किस चीज़ के लिए? फेशियल ड्रूपिंग के लिए. हमारा फेस का एक साइड क्या हो जाता है हमारे पास? ड्रूप हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है हमारे पास. उसकी साइमेट्री चेंज हो जाती है फेस के एक साइड की. दूसरी हमारे पास आर्म की वीकनेस. ए स्टैंड करता है आर्म के लिए. अगर हम पेशेंट को उस पेशेंट को ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलेगा कि उसके आर्म में वीकनेस आएगी या उसका वो अपना आर्म या अपना हाथ उठा नहीं सकेगा. तीसरी अगर हम उसको देखें एस, यानी एस का मतलब है स्पीच. उसकी स्पीच की साइमेट्री में चेंज आएगा, वो बोल नहीं सकेगा, या वो बोलने की कोशिश करेगा तो उसको बोलने में मसला होगा. और टी, यानी टी पार्ट हम उस टाइम इमरजेंसी के लिए कॉल करेंगे ताकि पेशेंट को हम जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचाएँ और हम उसको पैरालिसिस से बचाया जा सकें. अब अगर हम इसकी एपिडेमियोलॉजी या स्टेटिस्टिक की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल 15 मिलियन लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं, यानी स्ट्रोक का शिकार होते हैं. स्ट्रोक हम अपनी उर्दू जबान में फालज भी बोलते हैं, यानी पैरालिसिस भी हम कह सकते हैं. अब 15 मिलियन में लोग 5 मिलियन ऐसे लोग होते हैं जो मर जाते हैं, जबकि 5 मिलियन हमारे पास परमानेंटली डिसेबल यानी पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं. अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगेन हमारे पास ये फिफ्थ लीडिंग काज है डेथ की, यानी पाँचवीं बड़ी रीज़न है हमारे पास मरने की, और दूसरी बड़ी रीज़न है हमारे पास डिसेबिलिटी की. इसके अलावा अगर हम कुछ और रिस्क फैक्टर की बात करें कि किन वजह से हो सकता है, तो इसमें हमारे पास जिन बंदों को हार्ट के वॉल्स का मसला हो, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के एम्बोलिज्म बनते हैं जो आपके ब्रेन को ट्रेवल करती है और ब्लड अक्लूड हो जाता है. इसके अलावा जो लोग अल्कोहल की कंजम्पशन करते हैं, जो लोग सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं हमारे पास, ठीक है, और इसके अलावा जो पहले मैं भी डिस्कस कर चुका हूँ, जो जिनकी फिज़िकल एक्टिविटीज नहीं होती हमारे पास, यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है जिनका, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर है जिनकी वजह से स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी जिन बंदों को हमारे पास हार्ट की कंडीशन हो, हार्ट के वाल के स्पेशली एरिथमियाज वगैरह हो हमारे पास, जो लोग अल्कोहल की कंजम्पशन करते हो और जो लोग सिगरेट का इस्तेमाल करते हो, उनमें ये स्ट्रोक की जो पैथोलॉजी है, स्ट्रोक की जो डिजीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा पाया जाता है. अब अगर हम ये उन लोगों के लिए था जो आम लोग भी हम इसको समझ सकते हैं. अब हम इसको फर्दर डिटेल में मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए जो उसको फर्दर मजीद जानना चाहते हैं, हम इसमें फर्दर इसको डिस्कस करते हैं. अब जैसा कि मैंने पहले बताया, खून की नालियों में मसला होता है. अब खून की नालियाँ कहाँ से गई है हमारे पास?
तो जैसे कि पता है हार्ट जो होता है हमारे पास, ये मेन सर्कुलेटिंग ऑर्गन है हमारे पास, वहाँ से बड़ा जो मेन बड़ा विसल है हमारे पास, डेट इज़ आयोटा। आयोटा से बेसिकली दो सिस्टम आपके ब्रेन को गए हैं, एक हमारे पास इंटीरियर सिस्टम होता है जिसको हम कैरोटिड सिस्टम बोलते हैं, दूसरा हमारे पास पोस्टीरियर रिस्पेक्ट से गया है, डेट इज़ नोन एज वर्टिब्रल सिस्टम। अब जो कैरोटिड सिस्टम है उसमें से जो हमारे पास, उसको हम इंटीरियर सिस्टम भी बोलते हैं, वो फ्रंट से गया है, जबकि हमारे पास वर्टिब्रल सिस्टम बैक से गया है। वर्टिब्रल सिस्टम में जो मेन आर्टरी इन्वॉल्व होती है वो हमारे पास बेसिकली पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है जो आपके स्ट्रोक में इन्वॉल्व होती है, जबकि हमारे पास इंटीरियर सिस्टम में यानी जो हमारे पास कैरोटिड सिस्टम है उसमें हमारे पास दो जो मेन आर्टरीज है, डेट इज़ मिडल सेरेब्रल आर्टरी और दूसरा हमारे पास इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास ये सप्लाई कहाँ पे करती है, कौन कौन से एरिया के ब्रेन को सप्लाई करती है और कौन कौन के एरियाज जो हमारे पास है इससे इंटरवेन होते हैं हमारे पास। तो इससे पहले कि हम उसको पॉइंट आउट करें, हमें सबसे पहले ब्रेन को समझना होगा। हमारे पास ये एक ब्रेन को मॉडल है, अब पूरा तो नहीं है, इट इज़ बेसिकली सेरेब्रल पार्ट यानी सेरेब्रम है हमारे पास, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है। अब जो फ्रंट वाला पोर्शन है ये पोर्शन, अब ये दो हेमिस्फीयर में हमारे पास बेसिकली मुश्तमिल होता है। अब ये जो एक ये हेमिस्फीयर होता है, एक हमारे पास राइट होता है, एक हमारे पास लेफ्ट होता है हमारे पास। अब बेसिकली जो फ्रंट पोर्शन होता है दिस इज़ नोन एज व्हाट फ्रंटल लोब। अब इसका फंक्शन हमें समझना होगा तभी हमारे पास हमें स्ट्रोक को स्ट्रोक हम बेहतर से समझ सकते हैं। अब जो हमारे पास फ्रंटल लोब होता है बेसिकली ये करता क्या है, अब जितने भी हमारे पास इंटेलेक्चुअल फंक्शन होते हैं, जितने भी हमारे पास कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती है हमारे पास, हमारे प्लान हो गए, हमारे जजमेंट हो गया, हमारे डिसीजन मेकिंग हो गया, इवन हमारी पर्सनालिटी हो गई, वो हमारे पास यहाँ से कंट्रोल होता है। ये जो हमारे पास हिस्सा है जहाँ पे मैंने अपने फिंगर्स रखे हैं, इसके अलावा जितने भी हमारे पास मोटर एक्टिविटीज़ होती है यानी मैं बोल रहा हूँ, यानी बोलने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक एरिया होता है ब्रेन में आपके लेफ्ट साइड में, डेट इज़ नोन एज ब्रोकास एरिया, वो भी फ्रंटल लोब में होता है। या मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ या मैं अपना पाँव हिला रहा हूँ, इट इज़ ऑल यू नो यहाँ से कंट्रोल होता है हमारे पास फ्रंटल लोब से बेसिकली। अब इसके पीछे जो हमारे पास लोब है डेट इज़ नोन एज पैराइटल लोब। अब जितने भी हमारी सेंसेशन होती है यानी हमें अगर कोई गर्माइश फील हो रही है, हमें कोई ठंडा फील हो रहा है या हमें अगर पेन फील हो रहा है, तो ये सारी सेंसेशन या हमारी कोई विजुअल इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जा रही है तो हमारे पास या हम कुछ सुन रहे हैं, सारी हमारे पास आपके पैराइटल लोब में जाती है मोस्टली, ठीक है। ये पैराइटल लोब उन चीज़ों को इंटरप्रेट करता है हमारे पास। अब पीछे वाला हिस्सा ये जो पोर्शन होता है हमारे पास दिस इज नोन एज ऑक्सिपिटल लोब। ऑक्सिपिटल लोब का बुनियादी फंक्शन ये होता है कि हमारे पास जितने भी विजुअल इंफॉर्मेशन आती है, अगर हम जितने भी चीज़ों को इर्द गिर्द देखते हैं वो सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले यहाँ आती है, इवेंचुअली इट गोज इनटू पैराइटल लोब, लेकिन सबसे पहले हमारे पास यहाँ आती है। बेसिकली इसका फंक्शन ये है कि हमारे पास ये विजन में हेल्प करे। अब अगर दूसरी जानिब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो मॉडल हमें हमारे पास था इसमें थोड़ी सी वो थी कि हमारे पास इसमें टेम्पोरल लोब नहीं था। अब जो टेम्पोरल लोब होता है हमारे पास वो बेसिकली आपके हेयरिंग में हेल्प करता है, यानी हेयरिंग जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास टेम्पोरल लोब में जाती है। अब इवेंचुअली इट आल्सो गोज इनटू हमारे पास पैराइटल लोब, ठीक है, लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा मेमोरी में भी काम करता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब ज़रूरी है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, एक हमारे पास इंटीरियर सिस्टम है, एक हमारे पास पोस्टीरियर सिस्टम है। पोस्टीरियर सिस्टम का जो मेन आर्टरी इज पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो मैंने बताया आपको, यानी वर्टिब्रो बेसल सिस्टम का, वो हमारे पास आपके ऑक्सिपिटल लोब को सप्लाई करता है। अब ऑक्सिपिटल लोब को वो सप्लाई करता है तो उनके उसके फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास कोई डिफेक्ट आएगा यानी लीजन होगी हमारे पास उस आर्टरी की, कोई रुकावट आएगी हमारे पास या वो रप्चर होगा, तो उस हिसाब से फंक्शन डिस्टर्ब हो गए बंदे के, ठीक है। और थोड़ा बहुत हमारे पास लेटरल भी सप्लाई करती है हमारे पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, जबकि हमारे पास जो इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है यानी इंटीरियर सिस्टम का जो कैरोटिड सिस्टम का, वो हमारे पास मोस्टली इंटीरियर सप्लाई करती है फ्रंटल लोब में और ज़्यादातर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सेरेब्रम, जबकि हमारे पास जो आपका मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है वो मोस्टली लेटरल सेरेब्रम को ज़्यादातर सप्लाई करती है। अब जैसा कि मैं बता रहा था ब्रेन के कुछ फंक्शन हमारे पास, अब ये फ्रंटल लोब था जो मैंने आप लोगों को समझाया हमारे पास ये क्या कर रहा था, फिर हमने पैराइटल लोब को थोड़ा सा डिस्कस किया, फिर हमने ऑक्सिपिटल लोब को डिस्कस किया और उसके आर्टरी इंटरवेंशन को हमने प्रॉपरली डिटेल में डिस्कस किया। अब उस हिसाब से इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है, अब कौन सी आर्टरी में हमारे पास लीजन होता है तो उस हिसाब से हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिस्कस करेंगे। अब जो स्ट्रोक होता है, या तो हमारे पास MCA में कोई लीजन होगा, या हमारे पास इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में कोई लीजन होगा, या हमारे पास आपकी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में लीजन, इसके अलावा भी स्ट्रोक होते हैं लेकिन आज का जो हमारा मौजू है उस इस हिसाब से है। तो MCA में हमारे पास या तो आइदर अच्छा आर्टरीज जो होती है हमारे पास ये कपल में होती है, यानी अगर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है तो इसका एक और पोर्शन भी होगा, एक और आर्टरी भी हमारे पास होगी, एक लेफ्ट होती है एक हमारे पास राइट होती है। तो जो हमारे पास राइट मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है हमारे पास,
अगर उसमें अक्लूजन आती है या हमारे पास पड़ जाती है तो आपको किस तरह के सिम्टम्स या किस तरह के साइन सिम्टम्स पेशेंट्स में मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास राइट एमसीए आपका इफेक्टेड होगा तो हमेशा याद रखो आपका लेफ्ट साइड आपका बॉडी जो होगा हमारे पास ये हेमिप्लेजिक होगा। हेमिप्लेजिक का मतलब वो वीक होगा। अब इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास लेफ्ट साइड से जितनी भी इंफॉर्मेशन जाती है आपके ब्रेन को तो वो राइट साइड ऑफ ब्रेन जाती है और राइट साइड ऑफ ब्रेन आपका लेफ्ट साइड बेसिकली कंट्रोल करता है। अगर मैं अपना पाँव हिला रहा हूँ इट्स बिकॉज अब मेरा राइट साइड इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे कोई गर्माइश या ठंडा फील हो रहा है तो ये जो इंफॉर्मेशन है बेसिकली आपकी राइट साइड ऑफ ब्रेन में चली जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको राइट एमसीए का लीजन होगा तो बंदे लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या होगा, वीक होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये होगी कि नेगलेक्ट। अब राइट साइड पे लीजन है तो उसको अपने लेफ्ट साइड का पता नहीं होगा, दिस इज़ नोन एज व्हाट नेगलेक्ट। पेशेंट को पता नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है लेफ्ट साइड पे बेसिकली। तीसरी हमारे पास इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है डेट इज़ टोपोग्राफिक डिस्पेक्सिया। उनको मैप्स का पता नहीं होगा, रास्तों का पता नहीं होगा, एड्रेस का पता कि मैं किस रास्ते से गया था, मैं किस रास्ते से आ रहा हूँ, यानी रास्ते उनसे रास्तों को सही से पहचानेगा नहीं। चौथी बात हमारे पास ये एप्रेक्सिया, मोस्टली इसमें वो होता है यानी आप उसको कोई चीज़ बता दो कि ये कॉपी करो या उसका डिज़ाइन बना दो तो वो नहीं कर सकेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये मोस्टली आपके आपको राइट एमसीए में ये सारी चीज़ें मिल सकती है। फिर अगर हम लेफ़्ट एमसीए की बात करें, अब लेफ़्ट एमसीए में हमारे पास एक तो राइट साइड ऑफ बॉडी वीक होगा, राइट साइड पे हमारे पास क्या होगा, हेमिप्लीजिया होगा, यानी लीजन यहाँ पे हुआ है, वीकनेस आपको इस साइड ऑफ बॉडी मिलेगी हमारे पास। अब अगेन वही रीज़न है कि हमारे पास इस साइड की इंफॉर्मेशन यहाँ पे चली जाती है जबकि ये वाला साइड हमारे पास अगेन आपके मोमेंट्स जो है कंट्रोल करता है इस साइड के। तो हमारे पास अगर यहाँ पे लीजन होगी एमसीए की तो हमारे पास मोस्टली ये वाला साइड आपका क्या होगा, वीक होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो चीज़ हमारे पास ख़राब होती है इट इज़ उसको हम मेडिकल वर्ल्ड में इसको हम ग्लोबल एपेजिया बोलते हैं, यानी वो बंदा ना तो बोल सकेगा और ना समझ सकेगा। उसकी वजह यह है जो ब्रोकास एरिया होता है हमारे पास वो बेसिकली अफेक्टेड होता है। ब्रोकास एरिया क्या है कि जितना भी हम बोलते हैं ना इट्स कंट्रोलिंग या जो कंट्रोल करता है इसको बेसिकली ब्रोकास एरिया करता है। और जो हम चीज़ें समझते हैं यानी अगर कोई चीज़ मुझे कोई बता रहा है और मैं उसको समझ रहा हूँ इट इज़ बिकॉज ऑफ वर्निकीज एरिया। तो जो लेफ्ट एमसीए वाले पेशेंट होंगे उनमें दोनों वर्निकीज एरिया और हमारे पास ब्रोकास एरिया दोनों अफेक्टेड होंगे हमारे पास। तो इस कंडीशन को ओवरऑल हम ग्लोबल एफेजिया बोलते हैं। फिर अगर हम एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की बात करें, अब एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी हमारे पास जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ तो उसके क्या साइन सिम्टम्स आपको मिलेंगे पेशेंट्स में, मोस्टली वो चूँकि फ्रंटल लोब को सप्लाई करता है तो हमारे पास जितने भी आपकी पर्सनालिटी के मसले होंगे उन पेशेंट को बिहेवियर का मसला होगा, वो हमेशा डीमोटिवेटेड फील करेगा हमारे पास, नाम वगैरह का मसला होगा, ऑब्जेक्ट्स वगैरह को, इन सारी चीज़ों का हमारे पास मसला हो सकता है। फिर अगर हम पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की बात करें यानी जो पीछे सप्लाई कर रहा था यानी एक्सिपिटल लोब को, तो उनको विजुअल मसले होंगे ज़्यादातर विजन में, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनको मेमोरी में मसला होगा हमारे पास। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे मुख्तलिफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हर एक आर्टरी की, तो हमारे पास सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को राइट एमसीए। तो राइट एमसीए में हमारे पास आपकी लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी वीक होगी, हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पता नहीं चलेगा पेशेंट को, हमारे पास कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया होगा यानी वो डिज़ाइन या कापी नहीं कर सकेगा हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास उनको मैप्स का पता नहीं होता है, उनको हमारे पास एड्रेस वगैरह इन चीज़ों का पता नहीं होता। फिर मैंने आपको लेफ्ट एमसीए का डिस्कस किया, लेफ्ट एमसीए में हमारे पास आपकी राइट साइड ऑफ द बॉडी वीक होगी, इसके अलावा हमारे पास ग्लोबल एपेजिया होगा,
ग्लोबल एपिजेनी ना वो बोल सकेगा ना वो हमारे पास समझ सकेगा। इसके अलावा फिर मैंने आप लोगों को इंटीरियर सेरेब्रलिटी की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताई कि उनको पर्सनालिटीज़ के मसले होंगे, वो एपैथिक यानी डीमोटिवेटेड होगा, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं दिखाएगा हमारे पास, ठीक है, इवन चीज़ों को वो सही से नहीं कर सकेगा। फिर मैंने आप लोगों को पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताई थी, जिसमें हमारे पास मैंने आप लोगों को ये बताया था कि उनको विजुअल मसले होंगे, मेमोरी के मसले होंगे, इनके अलावा उसको वर्टिगो का इशू होगा हमारे पास, यानी उसका सर चकराएगा ज़्यादातर, डिजीनेस वगैरह। इसके अलावा नाजिया वोमिटिंग का मसला भी उनको उसको हो सकता है। इसके अलावा हम अगर जनरल बात करें कि अगर आपके राइट साइड ऑफ हेमिस्फीयर में लीजन होगा तो हमारे पास क्या आपको मिलेगा पेशेंट में, और अगर हमारे पास लेफ्ट साइड आप ब्रेन यानी ये जो हेमिस्फीयर है, जैसा कि हमारे पास दिस इज़ राइट हेमिस्फीयर, ये हमारे पास लेफ्ट हेमिस्फीयर पे, अगर यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल लीजन होगा तो आपको पेशेंट में क्या क्या चीज़ें मिलेगी, और अगर हमारे पास लेफ्ट साइड आप इस साइड पर हमारे पास लीजन होगी तो जनरली आपको पेशेंट में क्या क्या चीज़ें मिलेगी। अगर हमारे पास अगर राइट लीजन है हमारे पास राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर की, तो एक तो बंदा लेफ्ट साइड पे वीक होगा, दूसरा उसको हम हेमिप्लीजिया बोलते हैं, दूसरा उसको विजुअल मसले हो गए हमारे पास, यानी अगर राइट साइड पे हेमिस्फीयर पे तो उसको लेफ्ट साइड ऑफ विजन में यानी लेफ्ट दोनों आइज के लेफ्ट साइड पे उसको मसला होगा विजन में, उसको हम अपने क्लिनिकल वर्ल्ड में हेमेनोप्सिया बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास उसको फेस रिकग्निशन में मसला होगा, यानी उसको हम प्रोसपग्नोशिया बोलते हैं, प्रग्नोशिया हमारे पास। इसके अलावा उसका बिहेवियर जो होगा वो फास्ट होगा, इम्पल्सिव होगा, वो ड्रेस को मतलब किस तरह पहनेगा वो तरीके उसको नहीं आएगी। इसके अलावा वो अपने बीमारी का भी उसको पता नहीं होता, उसको हम अपने वर्ड्स में एनसगनोशिया बोलते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, यानी वो एक तरह से मेंटल इलनेस का शिकार होगा हमारे पास, एक तरह से हम उसको डिमेंशिया भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है इन जनरल हमारे पास, अगर आपको राइट हेमिस्फीयर में लीजन आपको मिलता है। इसके अलावा अगर हमें लेफ्ट हेमिस्फीयर में कोई लीजन मिलता है तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, तो मैंने इस पहले बताया, तो आपका राइट साइड ऑफ बॉडी वीक होगा हमारे पास। इसके अलावा आपको राइट साइड पे नेगलेक्ट फील होगा, ज़्यादातर नंबरिंग का इशू होगा, इनके एनालिटिकल स्किल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। इसके अलावा ये बंदा कन्फ्यूज़ होगा, इसके अलावा ऑब्जेक्ट रिकग्निशन नहीं करेगा, डेली लाइफ की जो एक्टिविटी है उनमें बहुत ज़्यादा उनको मसले होंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे राइज ये हो सकता है कि हम इस पेशेंट को या इस तरह के पेशेंट अगर हमारे पास आता है, आने से पहले हम स्ट्रोक को किस तरह मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं कि बंदे को स्ट्रोक ना हो। रिस्क फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, यानी अगर किसी बंदे का कोलेस्ट्रॉल बड़ा है तो उसको स्ट्रोक के चांसेस है, तो हमें इस कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कंट्रोल करना, यानी डाइट जो होगी हमारे पास उसको कंट्रोल करना होगा, डायबिटीज़ को हमें कंट्रोल करना होगा, हाइपरटेंशन को हम कंट्रोल, और इसके मुख्तलिफ किस्म के रीज़न कि हम किस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जितना बंदा फिजिकली एक्टिव होगा यानी उस जनरल लाइफ साइज से बाहर आएगा तभी उसमें इन क्लॉट्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं हमारे पास। अगर मरीज़ हो गया उसको हम जितना जल्दी हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा है, ताकि अर्ली प्रिवेंशन हो, डिसेबिलिटी से बंदा बच जाए। अब वंस ग्लास्कोकोमा स्केल पर हमारे पास स्कोर 8 से ज़्यादा आ गया तब हम एक रिहेबिलिटेशन टीम का काम शुरू होता है, जिसमें हमारे पास एक फिजिशियन होता है, एक फिज़िकल थेरेपिस्ट होता है, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है हमारे पास, एक नर्स होती है, एक स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट होता है, एक PNO होता है, जो पूरी एक टीम की तरह काम करते हैं और पेशेंट को रिहेबिलिटेट करते हैं। अब द फिज़िकल थेरेपिस्ट हम उसकी फंक्शनल इंडिपेंडेंस के लेवल को देखते हैं और उस हिसाब से उसका प्रोटोकॉल हम जारी करते हैं, यानी कि कितना वो काम कर सकता है, यानी किस लेवल का है, मोटर कॉर्टेक्स कितना हिट हुआ है, सेंसरी कॉर्टेक्स कितना हिट हुआ है, प्रोप्रोसेप्शन का लेवल उसका कितना है, तो उस हिसाब से हम अपना प्रोटोकॉल फिर सेट करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि पेशेंट की जो बेड मोबिलिटी होगी स्ट्रोक की पेशेंट की, यानी हम उसको लेटाएँगे किस तरह, फिर हम उसको बिठाएंगे किस तरह, फिर हम उसको उठाएंगे किस तरह, फिर उसको हम वॉक किस तरह करेंगे, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो में बाकायदे तौर पर डिस्कस कर लेंगे।